प्रधानमंत्री संगारेड्डी पहुंच चुके हैं और आपको पता है कि आज तेलंगाना में लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मौजूद हैं। 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद अब एक बार फिर से जनसभा को संबोधित करने के लिए संगारेड्डी पहुंचे हैं और बेसब्री से लोग उनका इंतजार कर रहे थे आज सुबह से ही। और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई, प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगे। वहाँ पर लोगों ने अपना हृदय खोल करके संगारेड्डी की जनता ने आज अभिवादन किया है। जी किशन रेड्डी साहब जो कि प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं वो भी इस जनसभा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं और गजब का उत्साह पिछले दो दिनों से देखा जा रहा है तेलंगाना में। कल आपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो गुजरात की विकास परियोजनाओं के मॉडल के आधार पर तेलंगाना का विकास करना चाहते हैं, केंद्र के साथ मिलकर के वो विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने सहयोग मांगा और प्रधानमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया कि तेलंगाना का विकास, राष्ट्र का विकास एक साथ करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सबका साथ, सबका विश्वास और सभी के प्रयास से जो विकसित भारत की परिकल्पना की गई है, बिना विकसित राज्यों के विकसित भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती और इसलिए राज्यों के विकास को देश के विकास के साथ मिलकर के कदम ताल करके आगे लेकर के जाना, यही केंद्र की नीतियों में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। और जो परियोजनाएं आज समर्पित की गई तेलंगाना राज्य के लिए, न केवल तेलंगाना बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उनके साथ तेलंगाना की कनेक्टिविटी, क्योंकि साउथ इंडिया का गेटवे कहा जाता है तेलंगाना को, वहां का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो विकास की धारा को अगर प्रवेश करना है दक्षिण भारत में तो तेलंगाना का विकास अत्यंत आवश्यक और इसीलिए आज रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ एविएशन क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। हैदराबाद साथ ही साथ देश के एविएशन सेक्टर के लिए आज बड़ा ऐलान। अब से थोड़ी देर पहले बेगमपेट के हवाई अड्डे को एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देश को समर्पित किया गया, साथ ही साथ 3 NH की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अहम भूमिका निभाएंगी। और आप देखिए कि किस तरह से लोग अत्यंत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लगातार दूसरे दिन तेलंगाना की जनता में भारी उत्साह। कल हमने देखा था कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल्स के क्षेत्र में, थर्मल पावर के क्षेत्र में, वहां पर आदिलाबाद में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। उमिलेश भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं संगारेड्डी से, बहुत धन्यवाद उमिलेश। कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आज प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जो है जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित किया है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज तेलंगाना को एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा दी गई है, जिसमें कि जो उड्डयन, नागरिक उड्डयन जो अनुसंधान संगठन केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है। ये लगभग 350 करोड़ के जो लागत है उससे निर्मित किया गया है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है ये एक अनुसंधान संस्थान रहेगा। साथ ही जो है रेल और सड़क परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले जो है उद्घाटन और शिलान्यास करके राष्ट्र को समर्पित किया है। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो प्रधानमंत्री अभी जनसभा में पहुंचे और एक बड़ी जनसभा यहाँ पर है और जैसे कि हमारे दर्शक भी देख होंगे कि प्रधानमंत्री जनता के बीच से अपने सिर परचित अंदाज में गए हैं। जनता ने भी प्रधानमंत्री का जो है जबरदस्त स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने जो है जनता का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े हैं। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपने जनप्रिय नेता की जो एक झलक पाने के लिए लोगों में जो उत्साह था, जो जोश था, वो काबिले तारीफ था। और ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लाखों की भीड़ है, जब हमने उनसे जो है बात की है तो कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री को जो है अपने जनप्रिय नेता को जो है देखने के लिए काफी उत्साहित है। कई दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे और जो कि आप देख भी सकते हैं कि जनता में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, अपने जनप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक देखने के लिए। और जो थोड़ा हमारे दर्शकों को जिस जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं संगारेड्डी, वहां की कुछ खासियत बताइए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने क्यों चयन किया आदिलाबाद और संगारेड्डी का तेलंगाना की जनता के साथ उन्मुख होने के लिए, उन्हें संबोधित करने के लिए, संगारेड्डी की खासियत?
इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री सांगारेड्डी में, और स्थानीय जनता तेलंगाना की गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के बीच प्रधानमंत्री एक बार फिर से तेलंगाना की जनता को आज लगातार दूसरे दिन संबोधित करेंगे। आपको याद होगा कि कल तेलंगाना के आदिलाबाद में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, उसके बाद तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री और वापस फिर आज सुबह उज्जैनी महाकाली के दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और आधारशिला रखी और उसके बाद फिर से एक बार जनसभा को संबोधित करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। इन गौरवनीय भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राष्ट्र रथ सारथि गौरवनीय गंगापुर किशन रेड्डी गारिनी మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను। జై హింద్, జై భారత్। అందరూ చైర్లలో కూర్చోండి దయచేసి। చాలా మంది నిలబడి ఉన్నారు, టెంట్ బయట కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, దయచేసి వాళ్ళందరినీ లోపలికి అనుమతించాల్సిందిగా పోలీసులను కోరుతా ఉన్నాం। ఈరోజు మన పట్టంచెరులో జరుగుతున్నటువంటి విజయ సంకల్ప సభకు వచ్చినటువంటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి విశ్వనాయకుడు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ ప్రజల తరఫున, తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను। గత 10 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసము నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఎంతో అంకితభావంతో చిత్తశుద్ధితో కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేసిందనే విషయాన్ని మరొకసారి నేను పునరుద్ఘాటిస్తా ఉన్నాను। నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణలో